हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। आप सभी का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप, मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कैसे हैं आप। मुझे उम्मीद है कि आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। तो अभी सुबह के बज रहे हैं 7:15, 7:20 कम है अभी। अब पानी जो है मेरा गर्म हो गया है नहाने के लिए, झाड़ू पोछा मैंने लगा दिया है, जो भी क्लीनिंग होती है सब कर लिया है, बस मुझे बेडशीट सही करना है। जैसे रुपेश अभी सोया, छवि उठ गई है, आप देख सकते हो। यहाँ देखिए छवि उठ गई है, गुड मॉर्निंग बोलो। और वहां देखिए रुपेश अभी सोया हुआ है, ये देखिए। तो हाँ, अभी रुपेश जो है वो सोया हुआ, अच्छा अभी उठ गई है। तो चाय पी के तब जाऊंगी नहाने, क्योंकि ठंड जो है बहुत ज्यादा पड़ रही है। और आज जो है ना, हमारे यहाँ इस समय मौसम पता नहीं कैसा हो रहा है, सुबह शाम को ठंड हो रही है, दोपहर में इतना कड़ा धूप निकल रहा है कि लग रहा है कि गर्मी का मौसम आ गया है। और आज भी बाहर बहुत कोहरा है, पर अभी मैं आपको नहीं दिखाऊंगी कोहरा, क्योंकि बाहर नहीं जाऊंगी, अभी ठंड लग रही है। अभी सीधे जा रही किचन में चाय बनाने, चाय बना के पहले पीऊंगी, फिर जाऊंगी मैं नहाने के लिए। तो चलिए चलते किचन में चाय बना लेते हैं, पी लेते हैं। तो आ गई हूँ मैं किचन में चाय बनाने के लिए। चाय मैंने चढ़ा दिया है, अदरक मैंने कूट लिया है, और अभी चाय में देखिए चाय पत्ती चीनी सब मैंने डाल दिया है, और कितना अच्छा चाय का कलर आया है, और चाय बनकर रेडी है। फ्रेंड्स, आ जाइए, आप लोग भी चाय पी लीजिए। चाय बन गया है, ये लीजिए। कहाँ था, ये लीजिए, दिख नहीं रहा है इसमें। हाँ, चाय पी लीजिए। और अभी मैं भी पी लेती हूँ चाय। क्या हुआ, पी लो छवि चाय तुम भी। और यहाँ देखिए रुपेश भी उठ गया है, गुड मॉर्निंग बोलो रुपेश, तेजी से बोलो गुड मॉर्निंग। और सभी का चाय मैंने, ये क्या है, कहाँ का है ये? अच्छा, विशाल का है, ठीक है रखो। चाय पियो तुम भी, पी लो छवि। बस चाय ठंडा हो गया है, देखो छवि अभी नहाई नहीं है, कितनी गंदी लग रही है। कितनी गंदी लग रही है, छवि नहाई नहीं है अभी। तो उठो रुपये, तुम भी पी लो। तो फ्रेंड्स, अभी मैं नहा के आ गई हूँ, और आज मैंने ये वाली साड़ी जो है वो वेयर की है, गणेश चौथ वाली साड़ी वेयर की है आज। और वहाँ देखिए मैंने, मतलब पूजा भी कर लिया है मैंने तो। और आज देखिए मैंने बाल जो है स्ट्रेट किया है, बाल बहुत ज्यादा झड़ने लगे, बहुत कम बाल हो गए हैं, पर अच्छा लग रहा था। ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है, बाल स्ट्रेट होने के बाद मुझे बहुत अच्छा लगता है, बाल स्ट्रेट होने के बाद देखिए बहुत अच्छा लगता है। ये देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। तो अब चलते हैं अपनी जगह पे, यानी कि किचन में बनाते हैं बच्चों के लिए नाश्ता, उसके बाद फिर लंच की तैयारी करनी है। तो चलिए चलते हैं किचन में। ये देखिए फ्रेंड्स, छवि ने भी येल्लो कलर की ड्रेस पहनी है, सामने आओ। ये देखिए अभी इसका हेयर जो है वो कॉम्ब नहीं है, फेस पे इसने कुछ भी नहीं लगाया है, बट मैंने इसे येल्लो येल्लो पहना दिया। फ्रेंड्स, आज के नाश्ते में मैंने चाउमीन बनाया है और चाय बनाया है। एक तरफ दूध बॉयल होने के लिए रख दिया है, दूसरी तरफ आलू बॉयल होने के लिए रख दिया है। चार गैस पे चार चीज़ मैंने रख दिया है। और अभी मैं प्लेट्स निकाल लेती हूँ और चाउमीन लगा देती हूँ आपके लिए और बच्चों के लिए। तो आ जाइए, आप लोग भी गर्मा गर्म चाउमीन खा लीजिए, बहुत टेस्टी बनी थी, बच्चों को भी बहुत पसंद आई। कलर देख के आपको पता चल ही गया होगा कि चाउमीन कैसा बना है, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, और ये बहुत टेस्टी बना था। तो आ जाइए आप लोग भी। तो फ्रेंड्स, अभी हमने नाश्ता कर लिया है, और देखिए रुपेश अभी कर रहा है, और मैंने बर्तन भी सारे क्लीन कर दिए हैं नाश्ते के। तो अभी बज गए हैं 11:30, आप देख सकते हो। तो अब मैं चलती हूँ लंच की तैयारी करने। और छवि देखिए पूरा पेपर फैलाई है, ये देखिए छवि पूरा पेपर फैला दी है, सही पेपर सही से रख दो। तो अभी चलते हैं लंच की तैयारी करने। और नाश्ता करने के बाद मैंने वेजिटेबल्स जो है वो कट कर लिए थे, आलू जो है वो बॉयल करने को रख दिया था, और ये तौलिया बच्चे छोड़ के ऐसे ही छोड़ देते हैं, उसे मैं टांग देती हूँ। अभी मुझे मशीन में लगाना बाकी है, अभी मशीन में कपड़े हैं पर कपड़े भी नहीं लगे हैं, अभी मुझे लगाना बाकी है। और आइए दिखाती हूँ कि मैंने लंच के लिए क्या क्या तैयारी कर ली है।
ये देखिए मैंने गोभी भी बॉयल कर लिया है, यहाँ आलू भी बॉयल हो चुकी है और सारे वेजिटेबल्स मैंने जो तड़के में मुझे लगाने हैं वो सारे वेजिटेबल्स मैंने कट कर लिए हैं। तो चलिए अभी जल्दी से लंच भी बना लेते हैं। तो फ्रेंड्स अभी मैंने कढ़ाई को गर्म होने के लिए रख दिया है और इसमें मैं डाल देती हूँ 4 बड़े चम्मच सरसों का तेल। इस तेल में मैं बॉयल गोभी डाल दूंगी जो मैंने पहले से ही बॉयल करके रख लिया था। और देखिए कितना अच्छा कलर आया है, गोभी भुन गई है, इसे मैं निकाल लेती हूँ। और फिर इसी कढ़ाई में और इसी तेल में मैं डाल दूंगी 1/2 चम्मच जीरा। जीरे का कलर जब अच्छा आ जाएगा, सुनहरा कलर, तो मैंने इसमें डाल दिया है। अदरक, हरा लहसुन, हरी मिर्च का पेस्ट, मतलब पेस्ट नहीं, कूटा हुआ ही था ये, पेस्ट नहीं मैंने बनाया था। और इसे मैं भून लेती हूँ बस 1-2 मिनट, फिर मैं इसमें मसाले डालूंगी जैसा कि नमक, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर मैंने नहीं डाला था, लाल मिर्च पाउडर और जो गरम मसाला होता है वो गरम मसाला मैंने एवरेस्ट का लिया है। और इसे भी मैं 1-2 मिनट तक भून लूंगी जब तक कि इसमें से कच्चापन चला ना जाए। तो अभी देखिए जो मसाला है मेरा भून गया है, तो इसे मैं आलू में ट्रांसफ़र कर दूंगी। और ये मैं बना रही हूँ आलू आलू के पूड़ी का बैटर, तो इसलिए मसाले में मैंने बहुत ज़्यादा नमक डाला था। फिर मैंने उसी कढ़ाई में डाल दिया है 3 बड़े चम्मच मैंने डाला है तेल सरसों का। इसमें मैंने 1/2 चम्मच मेथी दाना डाल दिया है। तेल अच्छे से, मतलब मेथी दाना जब अच्छे से मतलब गोल्डन हो गया है तो इसमें मैंने प्याज डाल दिया है। और इधर मैं जो मतलब आलू में मैंने मसाला डाला था और ये हरी धनिया डाल के इसे अच्छे से मैश कर लूँगी, क्योंकि थोड़ा गर्म गर्म मैश करेंगे तो ही आलू अच्छे से मैश होगा और ठंडी का आलू है तो इसे गर्म गर्म ही मैश करना चाहिए। और यहाँ प्याज जो है गोल्डन ब्राउन हो गया है तो इसमें मैंने वही पेस्ट डाल दिया है जैसा हरी मतलब हरा लहसुन है, हरी मिर्च है और अदरक का पेस्ट मैंने, और ये लाल मिर्च है, हल्दी है, नमक है और हींग, ये सारे मसाले मैं इसमें डाल दूंगी। और इसे थोड़ा सा पानी में इसमें डाल दूंगी और अच्छी तरीके से 1-2 चम्मच मैंने पानी लिया था और अच्छी तरीके से भून लूंगी। जब मसाले भून जाएंगे तो इसमें मैंने टमाटर और मटर डाल दिया है और इसमें मैंने 1/2 कप से कम पानी डाला है ताकि जो मटर है वो अच्छी तरीके से सॉफ्ट हो जाए। तो अभी देखिए मसाला कितना अच्छा, मतलब कलर भी कितना अच्छा आया है इसका। तो अभी मैं चेक कर लेती हूँ कि मटर जो है वो सॉफ्ट हुआ या नहीं। तो मटर सॉफ्ट हो चुका है, इसमें मैं अब डाल दूंगी बॉयल आलू और जो गोभी मैंने फ्राई की है वो और थोड़ा सा धनिया पत्ती, और बस इसे भी मैं 1-2 मिनट तक भून लूंगी ऐसे ही हाई फ्लेम पे। आलू के साथ सब्जियां भी भून गई है तो इसमें मैं डाल दूंगी 3 कप मैं इसमें पानी डाल दूंगी। आपके घर में जितने सदस्य हो फ्रेंड्स उस हिसाब से आप पानी ऐड कर सकते हो। तो मैंने इसमें 3 कप डाला है और इसमें अब मैं डाल दूंगी गरम मसाला, और ये जो मैं घर पे गरम मसाला बनाती हूँ वो गरम मसाला है। लगभग 1.5 चम्मच मैंने मसाला डाल दिया है और सब्जियों में मसालों को अच्छे से मिक्स कर लूँगी। दूसरी तरफ मैंने तावा चढ़ा दिया है गर्म होने के लिए कि तावा जो है अच्छे से हीट हो जाए। तो कस्तूरी मेथी मैं इस पर थोड़ा सा हल्का सा गर्म करूँगी क्योंकि कस्तूरी मेथी जो है इस समय सॉफ्ट हो जाता है, तो बस उसे हल्का सा गर्म करके डालिए तो टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो इसलिए मैंने कस्तूरी मेथी को जो है वो गर्म कर लिया है और अभी जो है ये क्रिस्पी हो गया है तो इसे मैं क्रश करके सब्जी में डाल दूंगी। यकीन मानिए फ्रेंड्स, कस्तूरी मेथी डालने के बाद सब्जियों में 4 चांद लग जाती है। तो सब्जी जो है वो मेरी डन है, बन गई है, रेडी है अब, और इसे मैं ट्रांसफ़र कर देती हूँ दूसरे बर्तन में। और अब आप इस सब्जी का लुक देखिए कितना टेस्टी है ना, और सभी को बहुत पसंद आया, मेरे बच्चों को, हस्बैंड को, सभी ने खूब खाया और तारीफ भी की। फिर उसके बाद मैंने कढ़ाई को वॉश कर लिया है और बाकी जो सिंक में बर्तन थे वो भी मैंने क्लीन कर लिए हैं और सिंक एरिया भी मैंने क्लीन कर लिया है। तो अभी मैं वाइप कर लेती हूँ क्योंकि टाइल्स के ऊपर, मार्बल के ऊपर फ्रेंड्स जो पानी लगा रहता है ना तो मुझे अच्छा नहीं लगता है, तो मैं उसे बार बार वाइप करती रहती हूँ कि किचन बिल्कुल क्लीन दिखे। और अभी आ जाती हूँ मैं पराठे की तैयारी करने, क्योंकि मैंने बच्चों से पूछा तो बोल रहे थे कि मैं पूड़ी नहीं खाऊँगा मम्मी, आप मतलब आलू का पराठा सेक दीजिए, और मुझे भी नहीं खाना था, ठंडियों में तो कुछ ज़्यादा ही आलू का पराठा हो जाता है। तो मैंने सोचा कि चलो आज बस मतलब पूड़ी नहीं, आज मैं पराठा ही बना लेती हूँ। फ्रेंड्स अभी मैंने लंच बना लिया है, जैसा कि ये देख सकते हैं आप 1 बज गया है, यानी कि 11:30 बजे मैं आई थी और 12:30 1, हाँ 1.5 घंटे में मैंने लंच बना लिया है। तो आप देख सकते हो फ्रेंड्स किचन मेरा बिल्कुल क्लीन है। ये आलू और गोभी की सब्जी है और ये आलू का पराठा है और राइस जो है मैंने यहाँ पे देखी, राइस जो है उसे मैंने फ्राई कर दिया है और यहाँ पर सादा राइस भी मैंने थोड़ा सा छोड़ दिया है कि जिसे सादा खाना होगा वो सादा खाएगा,
और जिसे फ्राई राइस खाना होगा वो फ्राई राइस खाएगा। और यहाँ देखिए किचन जो है थोड़े से बर्तन है, मतलब सभी को लंच कराने के बाद से बर्तन सारा एक साथ ही वॉश कर लूंगी। तो एक मिनट इसे, तो चलिए अभी लगा देती हूँ लंच सभी के लिए। और मशीन अभी चल रहा है, मैं दिखाती हूँ आपको। यहाँ देखिए 5 मिनट जो है वो मशीन पे है, मैं दिखाती हूँ पास से, यहाँ पे देख सकते हैं 5 मिनट में कपड़े भी वॉश हो जाएंगे। तो मैं छत पे जाऊँगी, डाल दूंगी। और अभी मैं निकाल देती हूँ, लगा देती हूँ खाली लंच की हड्डी की। फिर आज शायद हम जाएंगे सरस्वती माँ का, यहाँ पे मूर्ति बैठा हुआ है, तो उन मतलब उनके दर्शन करने जाऊंगी। देखिए मौका मिलेगा तो जाऊंगी, पास में ही बैठी हुई है, ज़्यादा दूरी पे नहीं है, बस 5 मिनट का रास्ता है। अगर जाऊंगी तो आप सरस्वती माँ का जरूर दर्शन कराऊंगी। तो चलिए निकाल लेती हूँ सभी के लिए लंच, लगा देती हूँ। गई आज की हमारी लंच की थाली, मटर पुलाव, आलू गोभी की सब्जी, आलू का पराठा, प्याज। तो आ जाइए फ्रेंड्स, आप लोग भी साथ में खाते हैं। सभी ने लंच कर लिया है और अभी मैं आ जाती हूँ किचन क्लीन करने, यानी कि बर्तन साफ करने। किचन तो क्लीन मैंने पहले ही कर लिया था। और हम हाउसवाइफ की ज़िंदगी में आराम तो बिल्कुल नहीं है, काम ही काम है, बस काम करते रहो। और ये सब करते करते मुझे बच गए थे 3। लंच कराने के बाद मैंने कपड़े जो थे वो जो वॉश हो गए थे वो मैंने छत पे सुखाए। छत जो है वो कल बारिश हुई थी ना परसों रात में, तो छत भी गंदा था, छत भी मैंने साफ़ किया। फिर उसके बाद मैं आई हूँ बर्तन को साफ करने, तो इसी वजह से मुझे 3 बज गया है। और अब जाऊँगी सरस्वती पूजा में, सामने वाली भाभी हैं वो भी तैयार है, मैं भी तैयार हो गई हूँ। तो बस अभी बर्तन वॉश कर लेने के बाद जाना है हमें आज दर्शन करने। हमारे मतलब एरिया में सरस्वती माँ बैठी हुई हैं और काम तो लगा रहता है। तो फ्रेंड्स, इसी काम के समय में जो हमें आराम का टाइम मिलता है उस समय में हम यूट्यूब का काम करते हैं, तो प्लीज़ हमें सपोर्ट करिए। दिन में 1-2 घंटे ही हमारे मतलब हमारे खुद के लिए बचते हैं, तो प्लीज़ आप मतलब हमें सपोर्ट करिए। तो फ्रेंड्स, अभी मैंने बर्तन भी क्लीन कर लिया है, लाइट्स ऑफ कर दूँ, एक मिनट जरा सा चेक कर लूँ सिलेंडर खुला है कि बंद है। तो सिलेंडर भी मैंने बंद कर दिया, लाइट मैंने ऑफ कर लिया है। फ्रेंड्स, अभी मैंने आप लोग को सरस्वती माँ का दर्शन कराया है। और बसंत पंचमी के दिन से ही होली का जो मतलब पंडाल तैयार होता है, यानी कि जो होलिका का दहन के लिए जो लकड़ियाँ इकट्ठा होती हैं वो आज के दिन से ही रखी जाती हैं। का जो है एग्ज़ाम, कल से एग्ज़ाम इन लोग का शुरू होने वाला है, तो इन लोग का जो है रिविज़न कराना है मुझे। तो मैंने सोचा कि चलो इस ब्लॉग को यहीं पर एंड भी कर देती हूँ और बच्चों को पढ़ा भी लूँगी। तो फ्रेंड्स, आज का ब्लॉग आप सभी को कैसा लगा? अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि मैं जो भी न्यू वीडियो बनाऊँ उसके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो बाय बाय फ्रेंड्स।